नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्शन 2.0 पर। मैं हूं मनीष और आप सभी मेरे साथ चर्चा करने के लिए नागरिकता के बचे हुए भाग पर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक सब्सक्राइबर मेरे अंदर एक नई एनर्जी का प्रवाह करता है और जिससे मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे नागरिकता का जो भाग हमारा शेष रह गया था, उससे पहले हम पहले की जो नागरिकता पढ़ाई गई उसके बारे में रिकैप कर लेते हैं। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 पार्ट अनुच्छेद 5 से 11 तक लिखी गई है। अनुच्छेद 5 देश के अंदर उस समय 1950 के समय जब जन्मे थे उन लोगों को नागरिकता के प्रभाव प्रबंध करती है। 6 उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। 7 भारत से पाकिस्तान चले गए, उनके वापसी लौटने पर उनकी नागरिकता के बारे में प्रबंध करती है। 8 विदेश के लिए, 9 पे आपको एक सिंगल नागरिकता रख सकते हो आप, एक ही नागरिकता का प्रमाण किया गया है। अनुच्छेद 10 आपकी नागरिकता के हनन होने से प्रतिबंधित करता है और आर्टिकल 11 संसद को अधिकार देता है कि वो नागरिकता में संशोधन कर सके। इसके अलावा हमने नागरिकता अधिनियम 1955 को पढ़ा, उसमें कैसे किस प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है। टोटल उन्होंने 5 टाइप बताए, वो 5 कौन कौन से थे। पहला था जन्म के द्वारा, दूसरा वंश के द्वारा, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, चौथा देशीकरण के द्वारा और 5वां था अर्जित क्षेत्र के द्वारा। इन सभी 5 टाइप से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि विदेशी भारत निवासियों के लिए भारतीय नागरिकता कैसे होगी। पहले तो ये जानते हैं कि विदेशी निवासी होंगे कौन। 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक होगा NRI, एक हो गया विदेशी निवासी या PIO बोल सकते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और एक हो गया OCI। कितने प्रकार के? NRI, एक PIO, एक OCI। NRI वो लोग हैं जो भारत की नागरिकता रखते हैं लेकिन विदेश में काम करते हैं, साल एक वर्ष में 180 दिन से ज़्यादा बाहर रहते हैं, तो वो लोग NRI। लेकिन सिटीजनशिप किसने की है? इंडिया की उनके पास, लेकिन वो दूसरे देश में काम कर रहे हैं, वहाँ से जो अर्निंग करते हैं वो इंडिया को भेजते हैं, तो वो हो गए NRI। क्लियर। दूसरा होता है PIO, वो लोग जो पहले NRI थे या उनके माता पिता कोई भी भारत का नागरिक था या उनके वंशज कोई नागरिक थे और या वो स्वयं नागरिक थे लेकिन उन्होंने किसी दूसरे देश में या तो जन्म लिया हो या वहाँ की नागरिकता को ग्रहण कर लिया हो, तो वो हो गए PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और OCI क्या है कि वो लोग जिन्होंने PIO ग्रहण कर लिया है लेकिन 2005 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने या भारतीय सरकार ने उनके लिए दोहरी नागरिकता का प्रमाण किया है कि उस देश की नागरिकता के साथ साथ इंडिया की नागरिकता भी आप ले सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक नया शब्द आएगा आपके सामने, डायस्पोरा, जो लिखा हुआ है कि डायस्पोरा होता क्या है कि जब कोई नागरिक अपने देश से किसी दूसरे देश में पलायन कर जाता है तो उसको कहा जाता है डायस्पोरा। क्या कहा जाता है? डायस्पोरा। कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक एक देश से, जिस देश का वो नागरिक है, वहाँ से वो दूसरी जगह अगर पलायन कर गया या रहने लग गया तो उसको बोलेंगे डायस्पोरा। तो सन 2000 में एक इंडियन गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई LM सिंघवी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? LM सिंघवी की अध्यक्षता में, कि भाई इन डायस्पोरा के बारे में कुछ कानून बनाया जाए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? 2002 में। 2002 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा गया, इन्होंने 2002 में रिपोर्ट दी और 2003 में संशोधन हुआ। किसमें? 1955 वाले हमारे नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ। उसमें कहा गया कि जो PIO है, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इनके 16 देश में जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रह रहे हैं उनको OCI कार्ड दे दिया जाए।
कौन सा कार्ड दे दिया जाए? ओसीआई मतलब दोहरी नागरिकता दे दी जाए वहाँ की, दोहरी नागरिकता। अब ये दोहरी नागरिकता की जरूरत पड़ी क्यों, ओसीआई कार्ड की जरूरत पड़ी क्यों, इसका रीजन, इसके बारे में हम पृष्ठभूमि जानेंगे कि क्यों इसकी आवश्यकता हुई ओसीआई कार्ड की। कि जो एनआरआई थे 2000 से पहले, जो एनआरआई थे वो वहाँ जाके बस नहीं रहे थे, वहाँ जाके काम कर रहे थे और वहाँ जाके वापस जो अर्जन करते थे, जितना भी मनी अर्जन करते थे वो कहाँ भेजते थे, एज ए रेमिटेंस के रूप में कहाँ भेजते थे, इंडिया भेजते थे। अब क्या हुआ कि उन देशों ने उन एनआरआई के लिए वहाँ की नागरिकता देना शुरू कर दिया, उनको लगा कि हमारा जो धन है वो दूसरे विदेश जा रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ की नागरिकता देना शुरू कर दिया। अब वो धन इंडिया में आना हो गया बंद, अब इंडिया में आना बंद हो गया तो गवर्नमेंट ने कुछ सोचा कि इनको कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ दिया जाए, कम से कम ये अपना कुछ डोनेशन दें, कुछ तो दें, तो उसके लिए सुविधाएँ देनी पड़ेंगी। भाई इंडिया घूमने तो आएंगे ही आएंगे वो लोग, लेकिन इंडिया घूमते समय उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर उन लोगों के पास दूसरे देश की नागरिकता होगी तो उनको सेम ट्रीट किया जाएगा एज ए, जैसे कोई व्यक्ति विदेश घूमने जाता है उसके हर महीने के बाद उनको पुलिस स्टेशन में अपनी जानकारी देना होगी कि वो कहाँ पे रहते हैं, उनको एक सिम लेनी पड़ेगी, वो उसका सिम का टाइम दिया जाता है कि एक महीने के अंदर आपकी सिम का एक स्पेशल नंबर दिया जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनके लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की जिसे ओसीआई कहा जाता है। ये एक प्रकार की दोहरी नागरिकता है, मीन्स इसमें नागरिकता के सारे अधिकार तो नहीं होंगे लेकिन 50% अधिकार आपको मिल जाएंगे। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो विदेशों में जो लोग रह रहे हो, तीन कैटेगरी में, एक एनआरआई हो गया, एक पीआईओ हुआ, एक हुआ ओसीआई। एनआरआई मीन्स हो गया अनिवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। पीआईओ मीन्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन, और ओसीआई मीन्स होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। एनआरआई क्या है कि वो लोग जो भारत के बाहर किसी विदेश में नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं और 180 दिन से ज़्यादा एक साल के अंदर बाहर रहते हैं और भारतीय पासपोर्ट धारण करते हो, जैसे यूएसए में कोई जॉब कर रहा है, जैसे रशिया में कोई जॉब कर रहा है, कनाडा में कोई जॉब कर रहा है, तो वो हो गए एनआरआई। दूसरा होगा पीआईओ। पीआईओ वो व्यक्ति हैं जो या तो स्वयं नागरिक थे या उनके पूर्वज भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक हो गए और किसी अन्य देश का मतलब जिस देश के नागरिक थे वो वहाँ का पासपोर्ट धारण कर रहे हो। तीसरा ओसीआई कि जो अमेंडमेंट हुआ 1955 के नागरिकता अधिनियम में, इन सभी पीआईओ को 16 देशों के पीआईओ को किसमें शामिल कर लिया गया, ओसीआई में। मतलब एक प्रकार से दोहरी नागरिकता दे दी गई, इंडिया की नागरिकता उनके पास नहीं थी, उन्होंने क्या कर ली थी, विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। अब क्या किया गया, उनकी नागरिकता उनके पास है लेकिन साथ ही में इंडिया का एक स्पेशल राइट्स मतलब नागरिकता के कुछ अधिकार इनको दे दिए गए जिसे कहा गया ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। क्लियर? मुझे लगता है कि, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कितने प्रकार के लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं। एक एनआरआई, एक पीआईओ, एक ओसीआई। एनआरआई वो लोग हैं जो 180 दिन से 182 दिन से ज़्यादा एक साल के अंदर बाहर रहते हैं और वहाँ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं लेकिन इंडिया का पासपोर्ट है उनके पास। दूसरा पीआईओ व्यक्ति हैं जो दूसरे पहले भारत के नागरिक थे या उनके वंशज थे लेकिन हाल ही में उन्होंने या पहले से विदेश की नागरिकता, जिस देश में रह रहे हैं उस देश की नागरिकता ग्रहण कर ली और उसी देश का वो पासपोर्ट रखते हैं। और ओसीआई क्या है कि जो पीआईओ थे, 16 देश के पीआईओ थे शुरुआत में, इनको क्या किया, भारत की एक स्पेशल सिटीजनशिप दी गई, दोहरी नागरिकता, जिसमें सिटीजनशिप के कुछ राइट दे दिए गए कि जब वो भारत आए तो उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और उनसे फंडिंग आती रहे, डोनेशन आते रहे। तो इस प्रकार के लोगों को क्या क्या कहा गया, ओसीआई कहा गया। मुझे लग रहा है, उम्मीद कि क्लियर हो गया होगा सभी। जो इसमें जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाया नहीं गया है, ओसीआई कार्ड किन किन लोगों को नहीं दिया गया, पाकिस्तान वालों को नहीं दिया गया जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और दूसरा बांग्लादेश वालों को, ठीक है, इन लोगों को ओसीआई कार्ड अवेलेबल नहीं कराया गया है। 2015 में एक संशोधन किया गया और उसमें जितने भी पीआईओ थे उनको क्या दे दिया, ओसीआई दे दिया, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन हो रहा था दोनों में। इसलिए क्या किया गया कि 2015 में
जो पीआईओ को बंद कर दिया गया और डायरेक्टली ओसीआई कार्ड दे दिया गया। क्या दे दिया गया? ओसीआई कार्ड दे दिया गया, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। जो पीआईओ कार्ड स्कीम थी वो 2002 में शुरू की गई थी और ओसीआई कार्ड स्कीम 2005 में शुरू की गई थी मनमोहन सिंह की सरकार के समय में। दोनों स्कीम क्या कर रही थी? साथ साथ चल रही थी। पहले पीआईओ अलग चल रही थी, ओसीआई अलग चल रही थी। तो जो एप्लीकेंट था, जो आवेदक कर रहा था, वो भ्रम की स्थिति में था कि मुझे पीआईओ के लिए पीआईओ कार्ड होल्डर बनूं या ओसीआई कार्ड होल्डर बनूं। तो दोनों स्कीम के जो पॉजिटिव जो वो थे, पॉजिटिव जो पक्ष थे, उनको मिला के शामिल किया गया और एक नागरिकता अधिनियम 2015 में संशोधित किया गया और 9/1/2015 से अधिनियम प्रभावी हुआ। और इसमें सभी पीआईओ कार्ड होल्डर थे जिनको, उनको सबको किस में कन्वर्ट कर दिया? ओसीआई में कन्वर्ट कर दिया गया। किस में कन्वर्ट कर दिया गया? ओसीआई में। तो 2015 के बाद में पीआईओ खत्म हो गया और अब क्या है? ओनली सिर्फ ओसीआई। ओसीआई को क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जैसा केंद्र सरकार उनको कहेगी। केंद्र सरकार जो अधिकार देना चाहेगी वो अधिकार उनको दे सकती है, लेकिन कुछ अधिकार वो उनको नहीं मिलेंगे। जैसे एक तो सार्वजनिक पद पे रोजगार, मतलब गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर सकता हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बन सकता, पहली बात तो। दूसरा, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता, उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता, वकील हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकता, महाधिवक्ता नहीं बन सकता हूँ, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता, वो चुनाव में भाग नहीं ले सकता, मतदान नहीं कर सकता। इन सब अधिकारों को छोड़कर बाकी सभी अधिकार उनको प्राप्त होंगे। और अगर किसी अधिकार में कटौती करनी है तो केंद्र सरकार कटौती कर लेगी, उसके लिए एक अलग से संविधान में संशोधन करेगी उनकी और वो कटौती हो जाएगा। अब हम बात करें कि इनका परित्याग कैसे कर सकते हैं। ओसीआई कार्ड होल्डर अगर वो चाहे कि मुझे नहीं लेना है इसकी नागरिकता, तो वो इस कार्ड का परित्याग कैसे करेंगे, मतलब कैसे इसको रिजेक्ट करवा सकते हैं। पहला तरीका है कि भाई अगर वो व्यक्ति खुद कह दे, यदि कोई विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ओसीआई वाला व्यक्ति उस कार्ड के परित्याग की घोषणा करता है, तो ऑटोमेटिक वो निरस्त हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर उस विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर नहीं रह जाएगा, जब उसका विदेशी मूल की उसकी या उसकी पत्नी या उसका पति जिसने नागरिक कार्ड प्राप्त किया है और उसका जो नाबालिग बच्चा है विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है, तो उसके रूप में उसको नहीं मिलेगी। अब हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो एक्ट बनने से पहले बिल था, जब सदन में लाया गया तब बिल था, तो उसे उस समय उसको कहा जाता CAB और अभी है उसका नाम CAA 2019। ये एक्चुअल था क्या कि 3 देशों के लिए लागू है। कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और तीसरा अफगानिस्तान। कौन कौन से देशों के लिए लागू है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन देशों से कुछ अल्पसंख्यक, इन देशों में कौन कौन से? हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध। इन जो धर्म के लोग हैं, इन लोगों को जो धार्मिक वहाँ पे प्रताड़ना झेली है इन्होंने, उन लोगों को भारत में नागरिक होने के बारे में प्रबंध करता है। क्या है? 3 देशों के लिए धार्मिक प्रताड़ित अल्पसंख्यक। अब वहाँ मेजोरिटी किसकी है? मुस्लिम की। तो मुस्लिम तो अल्पसंख्यक हुए नहीं, अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई। तो इन लोगों को भारत में नागरिक होने के बारे में प्रबंध करता है इनका, कि इनको कैसे नागरिकता दी जाएगी। 2014 के बाद में, कब के बाद में? 2014 के बाद में।
कहा गया है कि 1974 से पहले या 74 पहले जो लोग भारत आए, तो 2014 तक जितने भी आए उनको नागरिकता प्रबंध करता है। और इसके तहत 7 लोगों को, पाकिस्तानी के 7 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। ये सिर्फ CA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ओनली तीन देशों के बारे में बात की गई यहाँ पे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इनके जो धार्मिक प्रतिनिधित्व व्यक्ति थे, अल्पसंख्यक थे, उन लोगों को भारत में नागरिकता देने के प्रबंध किया गया। CAA के बारे में सिर्फ इतना ही जानेंगे, क्योंकि ज़्यादा जानकारी के लिए अलग से पूरा एक सेशन बनाना पड़ेगा इसका, और कम से कम आधे 30-40 मिनट की क्लास होगी जब CAA को पूरी तरह से जान पाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ इतना जाना है जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव है कि 2019 में अमेंडमेंट किया गया नागरिकता अधिनियम में 1955 में, उसमें इतना बताया गया कि सिर्फ जो 3 देश के नागरिक हैं, जो शरणार्थी थे, जो भारत में रह रहे थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनके जो अल्पसंख्यक शरणार्थी जो धार्मिक प्रताड़ित हुए उनके बारे में नागरिक, उनको कैसे नागरिकता दी जाए उसके बारे में प्रबंध करता है। CAA में ये बातें और कही गई, 5 वर्ष तक भारत का रहने की शर्त दी गई कि 5 वर्ष से जो ज़्यादा रह रहा है उनको नागरिकता दी जाएगी, और वो हिंदू, बौद्ध, सैख, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी जो धार्मिक प्रताड़ित है। अब आती है NRC, नया टॉपिक है NRC। NRC क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, भारतीय नागरिक रजिस्टर। ये स्पेशल बात कहाँ आई? असम के लिए। अभी ये लागू नहीं हुआ है लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं कि वहाँ पे जो नागरिक थे उससे ज़्यादा वहाँ शरणार्थी हैं। तो भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है। ये उन भारतीय नागरिकों का नाम है जो असम के वास्तविक नागरिक हैं, विशेष रूप से असम के लिए बनाई गई थी। एक्चुअल क्या हुआ, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो वहाँ से बहुत सारे लोग भारत में आ गए थे 1971 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2013 में कि आप NRC लाइए, और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 एक डेट फिक्स की गई 24 मार्च 1971 से पहले जो भारत आए उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दें, और 24 मार्च 1971 के बाद जो आए उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाए, वो शरणार्थी है जिस प्रकार से। तो 2015 में NRC का रजिस्टर बनाया। कब बनाया? 2015 में। इसमें टोटल 30 डॉक्यूमेंट मांगे। अगर 30 डॉक्यूमेंट में कोई भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट है तो आपको, आप भारत के नागरिक होंगे। अगर और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 महीने का समय दिया जाएगा। कितने महीने? 120 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। अगर वहाँ भी आपको साबित नहीं हो पाता है तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट भी अगर साबित नहीं कर पाएगा तो आपको फिर नागरिकता समाप्त हो जाएगी और आपको डिटेंशन सेंटर बना भेजा जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, उनके लिए 54 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से खर्चा करेंगे, पर डे के हिसाब से। तो वो एक गवर्नमेंट क्या चाहती है, वो क्या करना चाहती है, और गवर्नमेंट जाने, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया NRC। और अब एक नया चल रहा है NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ये क्या है? देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसमें एक्चुअल क्या है, जो जनगणना अभी तक हुई थी उसमें सभी आंकड़े सही से नहीं मिल पाए, तो आंकड़ों को सही से लाने के लिए कि जनगणना बिल्कुल कितने लोग रहते हैं, कितने क्या काम करते हैं, कौन रोज़गार करता है, कौन बेरोज़गार है, उनके आधार पर एक NPR बनेगा। अभी क्या हो रहा था कि जैसे बिहार में या UP में किसी व्यक्ति के घर गए कोई जनगणना करने वाला, उसने बोला कि कहाँ कितने जो लोग हैं, तो उसने बताया 10। बोला कितने यहाँ पे रहते हैं, तो उसने बोलेगा कि भाई 8 लोग रहते हैं, तो वो 10 के 10 का नाम लिख लेगा, वहाँ पे 10 काउंट कर लेगा। अब उसके 2 व्यक्ति रह रहे हैं दिल्ली में, अब वो दिल्ली गया, दिल्ली वाले लोग जनगणना करने आए तो उन्होंने 2 का नाम लिखवा दिया,
तो यहाँ पे कितनी हो गई 12, होनी कितनी चाहिए थी 10। तो इस प्रकार से आंकड़े सही उपलब्ध नहीं हो पा रहे। इन आंकड़ों के सही उपलब्ध कराने के लिए एक रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR। तो उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। इसके साथ ही दो चीज़ें और बताता हूँ मैं आपको कि एक वीज़ा पासपोर्ट में क्या होता है अंतर, वीज़ा और पासपोर्ट में अंतर क्या होता है। उम्मीद है कि सभी लोग जानते होंगे, फिर भी एक बार मेरा पासपोर्ट, वीज़ा, नॉन वीज़ा, इनमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में हल्की सी जानकारी लेते हैं। पासपोर्ट क्या होता है? पोर्ट मतलब होता है किसी भी स्थान को, और पास मतलब पास करना, मतलब किसी भी एक स्थान, एक भूभाग को पास करना, उसको कहते हैं पासपोर्ट। अब उसको पास करने के लिए जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उसको कहते हैं पासपोर्ट। मीन्स जिस देश का कोई नागरिक है अगर उसको किसी दूसरे देश में जाना है तो वहाँ पे क्या दिखाना होगा? पासपोर्ट। क्या दिखाना होगा? पासपोर्ट। पासपोर्ट कहाँ बनेगा? उसी देश के खुद के देश में बनेगा। अब बात तो आती है वीज़ा की। वीज़ा क्या है कि हम किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो दूसरा देश अनुमति देगा हमें कि हमें आपके देश में आना है या नहीं आना है। तो जो डॉक्यूमेंट वो देगा उसे कहेंगे वीज़ा। ये चाहिए खुद के देश में, सेल्फ कंट्री, ये चाहिए जिस देश में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे। और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे हमारे मित्र संबंध हैं और वहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे नेपाल, भूटान। समझे? एक पासपोर्ट, एक वीज़ा, एक नॉन वीज़ा कंट्री। पासपोर्ट क्या होता है कि किसी भी, मतलब आपको चाहे जल के माध्यम से जाएं, चाहे एयर के माध्यम से जाएं, तो किसी भी प्रकार के पोर्ट को पास करने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, जैसे एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट पोर्ट को पास करने के लिए, और पोर्ट सी पोर्ट हो गया, तो पोर्ट को पास करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी उसको क्या कहेंगे? पासपोर्ट। और पासपोर्ट स्वयं के देश में बनेगा। वीज़ा क्या होता है? एक परमिशन मांगी जाती है किसी दूसरे देश में जाने से पहले उस देश के अथॉरिटी से। उस देश की अथॉरिटी जब परमिशन देती तो उसे कहते हैं वीज़ा। और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे हम विदाउट वीज़ा के जा सकते हैं, उनको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तो उनको कहते हैं नॉन वीज़ा कंट्री, जैसे नेपाल और भूटान। अब वीज़ा भी दो प्रकार से होता है, एक वीज़ा ऑन अराइवल है, एक ऑलरेडी आपको वीज़ा लेना है। कुछ कंट्रियों ने हमें सौभाग्य दिया है कि हम वहाँ जाके भी वीज़ा ले सकते हैं, वहाँ लैंड हुई है, वहाँ पे एक अलग से कार्यालय बना हुआ है, वहाँ जाके आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। अगर उनको लगेगा तो दे दिया जाएगा, नहीं लेगा तो वापस दूसरी फ्लाइट में बैठा के वापस भेज दिया जाएगा हमें वापस। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें, और आसपास इस प्रकार का माहौल विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।